गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? यस सर। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, इसके चैप्टर के नाम ही से साबित है कि इस चैप्टर में डायनेमिक्स में आप फिजिक्स में पढ़ा है मूव होना। तो दिस चैप्टर चैप्टर नंबर दिस चैप्टर डील्स विद द फ्लो ऑफ हीट। इसमें हम फ्लो ऑफ हीट को ही जनरली एनालाइज करेंगे। क्लियर है? इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सबको समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस यस। आज के लेक्चर्स में हम पहले बेसिक डिफिनेशंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आज के क्लास के बाद जो बहुत सारे टर्म्स यूज होंगे, बेसिक डिफिनेशन। बेसिक डिफिनेशंस में सबसे पहला है सिस्टम। सिस्टम तो चलिए, हाँ, तो सिस्टम हम उस पार्ट को कहते हैं विच इज अंडर स्टडी। जैसे आप जहां पर बैठे हुए हैं तो वो एक सिस्टम हुआ। वहां के आप टेम्परेचर प्रेशर को आप एनालाइज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई हम किसी कोचिंग का नाम लेकर मैं कोचिंग जा रहा हूँ, तो एक सिस्टम हुआ। तो दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under observation, which is under study, which is under study, उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ओके, तो बोलिए ना, कैन यू हेयर मी? यस सर। That yes. part of the universe which is under study, यानी ऑब्जर्वेशन। उसी को हम कहते हैं इस कॉल्ड सिस्टम। कोई कहे कि क्या ऑब्जर्वेशन करना है, तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं टू स्टडी द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
प्रेशर एटीसी। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना, जल्दी बताएं। जी यस सर। आगे बढ़े, लिख लिया? यस सर। दूसरा बेसिक डिफिनेशन हम पढ़ेंगे, सराउंडिंग। सराउंडिंग यही हुआ कि भाई सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट रिमेनिंग पोर्शन है वो सब सराउंडिंग हो गया। तो नीचे लिखेंगे दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। That part of the universe other than system is called surround. That part of the universe other than system is called surrounding. इसलिए याद रखिए, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, यूनिवर्स जो बेसिकली होता है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से ही मिलकर बनता है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं ये दोनों बेसिक डिफिनेशन में? नो सर। वेरी गुड। टॉपिक डालिएगा, एक मिनट पीछे कर दो। हो गया सर। टाइप्स ऑफ सिस्टम, पहला है ओपन सिस्टम। क्या है जल्दी बताइए? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम देखिए, ओपन सिस्टम का मतलब ये नहीं करना है कि जो खुला हुआ हो। ओपन सिस्टम चूंकि आप ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से ही पढ़ना है, तो थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से डिफिनेशन बोल रही है। तो वो सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होना चाहिए सराउंडिंग के साथ। मास एंड एनर्जी, या आप हीट कह सकते हैं, दोनों का एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ, तो उसको ओपन सिस्टम कहते हैं। बहुत जैसे जनरल एग्जाम्पल अगर बोलना है तो कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस इज कैरीड आउट इन ओपन वेसल, ये जनरल एग्जाम्पल है। लेकिन डेली लाइफ से कोई पूछे, जैसे आपसे कोई पूछे ह्यूमन बॉडी, बताइए ये ओपन सिस्टम है या नहीं है, जल्दी बताएं। ह्यूमन, हाँ और लोग बताएं, ह्यूमन बॉडी ओपन सिस्टम होगा या नहीं होगा? ऋषिक जी बताएं, मानसी श्रीवास्तव सर होगा। हाँ, बिकॉज मास और हीट का एक्सचेंज हो रहा है। मास का मतलब आदमी का वेट इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है, और टेम्परेचर भी, बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज करता रहता है। हाँ जाना, जल्दी बताएं। इसीलिए
हाँ तो ह्यूमन सिस्टम का ह्यूमन बॉडी भी आपका ओपन सिस्टम हुआ। अब आइए एसी जब आप चलाते हैं तो वो भी ओपन सिस्टम है, वहां भी मास और हीट का एक्सचेंज होता है। हीट का मतलब कूल और वो कूल करना, टेम्परेचर को चेंज करना, और दूसरी जो टिप 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 करके पानी गिरता है तो वो भी मास का एक्सचेंज हो गया। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। तो ओपन सिस्टम का मतलब वो होता है वो सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो, उसको हम ओपन सिस्टम कहेंगे। बताइए किसी को अभी भी डाउट है हाँ या ना, जल्दी बताइए। नो सर। हाँ लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस। क्लास यार ऑफिस बाकी डेली लाइफ से जो रिलेटेड टॉपिक है वो है जो मैंने आपको बोला, वो सब तो आपके माइंड पर डिपेंड करेगा कि आप आंसर कैसे देते हैं। मेन कंसेप्ट ये है जो आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। क्लोज सिस्टम का मतलब ये हुआ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बट नॉट मास। मास का मतलब मैटर, कुछ भी आप बोल सकते। फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इज कैरीड आउट इन क्लोज्ड वेसल। और आगे का लाइन सुने सारे लोग। विथ डाया थर्मिक वॉल। डाया थर्मिक वॉल किसको कहते हैं या बाउंड्री के
एक्सचेंज ऑफ हीट जिसके साथ, जैसे आप चाय कप में रखते हैं तो बाउंड्री गर्म हो रहती है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। हेलो एवरीवन, यस सर। वही थर्मस में रखते हैं तो नहीं होता है, उसकी बाउंड्री स्टील की बनी रहे, क्या कहते हैं जो उसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। क्लोज्ड वेसल बोलने से सिर्फ आंसर नहीं आएगा, क्लोज्ड वेसल विथ डायाथर्मिक वॉल। अगर यहाँ पर हम एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वर्ड आएगा, आगे भी आएगा तो अभी भी कुछ समझना है, एक वर्ड आएगा डायाथर्मिक एक्सचेंज ऑफ हीट और एक वर्ड आएगा एडियाबेटिक विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट। तो अगर यहां पर एडिया तो विदाउट, अगर डायाथर्मिक वॉल बोल देंगे क्लोज वेसल के साथ तो क्लोज सिस्टम होगा, और एडियाबेटिक वॉल क्लोज वेसल के साथ बोलेंगे तो अभी पढ़ने जाएंगे पढ़ेंगे उसको कहते हैं आइसोलेटेड, आइसोलेटेड जिसमें हीट और मास दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा। जिसकी बेहतरीन मिसाल है थर्मस, आप चाय थर्मस में रखते हैं एक डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक वो गर्म रहता है, आप कोई कहेगा एक दिन के बाद क्या होगा वो नहीं, ये सब एक्सपेरिमेंटल है, और जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा जाता है एक्सपेरिमेंट। समझ में बात आई हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो अगर डायाथर्मिक वॉल नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो ये पूरा क्लोज सिस्टम हो गया, लिख लिया आगे हाँ या ना। सर डायाथर्मिक मतलब इसके बाउंड्री पर हीट हो। जी जी जी, जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट हो, बाउंड्री एक्सचेंज ऑफ हीट करे। क्लियर? यस सर। आइसोलेटेड सिस्टम, in which neither heat yani energy nor mass transfer ya exchange। केमिकल कैरीड आउट वेसल विथ एडियाबेटिक वॉल या बाउंड्री, वॉल को यहाँ पर बाउंड्री भी कहते हैं इस वाले थर्मोडायनेमिक्स में। कर लिया सर।
हाँ बताइए, लिख लिया, जल्दी बताइए। यस यस सर। नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन में जो आपको आएगा वो ये आएगा कि टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहला जो हमें पढ़ना है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो पहले दो मिनट अच्छे से सुनिएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं मास डिपेंडेंट, जिस जो मास पर डिपेंड करे और साइज पर भी डिपेंड करे उसको हम एक्सटेंसिव कहते हैं। और एक वर्ड आता है, लिखना नहीं है, इंटेंसिव, इसलिए नाम है इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट। इसलिए कभी कंफ्यूजन हो तो इनसे याद रखिए, इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट। तो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कॉल एक्सटेंसिव, और मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कॉल इंटेंसिव। पहले बताइए ये दो चीज सब आई समझ में यहां तक? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब सुनिए, हम एग्जांपल में को कैसे याद रखेंगे। अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम। अब जबकि डेंसिटी इंटेंसिव होता है, मास डिपेंडेंट नहीं है, तो जब आप बुक की डिफिनेशंस को पढ़ेंगे तो उसमें आप एग्जांपल पर कैसे कमांड करें तो उसके लिहाज से दूसरी डिफिनेशन भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो मीनिंग समझ लें, एक्सटेंसिव मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एक्सटेंसिव, और मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कॉल इंटेंसिव। लेकिन एक ऐसी डिफिनेशन जिससे कि एग्जांपल को याद करने में या समझने में आसानी हो तो उसको इस तरह बोलेंगे, जैसे आप एक बात बताइए, ये 10 लीटर वाटर है मान लेते हैं, बताइए डेंसिटी कितनी होगी। डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? 1 ग्राम पर mm, पढ़ा है ना आपने? आया ना? यस सर। और अगर हमने इसका आधा कर दिया, 5 लीटर वाटर कर दिया, अब बताइए डेंसिटी कितनी होगी। सारे लोग बोले हेलो एवरीवन, सेम रहेगी। यस वन ही रहेगी। मतलब ये द प्रॉपर्टी विच रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन डिवीजन द सिस्टम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। खच खच काट दें फिर भी प्रॉपर्टी चेंज ना हो वो इंटेंसिव कहलाए। चेंज कर जाए, जैसे वॉल्यूम चेंज कर जाएगी, आप 20 है आधा करेंगे 10 हो जाएगा, चेंज हो जाए वो एक्सटेंसिव। एक पहचानने का एक तरीका तो ये है डिफिनेशन के अलावा कि द प्रॉपर्टी विच रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन डिवीजन द सिस्टम into a smaller parts, उसको हम इंटेंसिव कहते हैं। एक तो ये है, तो देख लीजिए डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी जो है इसलिए इंटेंसिव कहलाती है, उसका रीजन भी सुने। जब आप आधा किया वाटर को तो मास भी आधा हो गया, वॉल्यूम तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए याद रखिए दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होगा, जिसके डिफिनेशन में यूनिट वर्ड लिखा रहे मास पर यूनिट वॉल्यूम।
इसलिए मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी इंटेंसिव है, जबकि ऊपर नीचे दोनों एक्सटेंसिव है। तो पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम जिसके भी डिफिनेशन में हो वो इंटेंसिव होगा। इसलिए केमिस्ट्री कहता ऑल कंसंट्रेशन टर्म, ऑल जो मुझसे पहला चैप्टर पढ़े हैं, देयर आर 8 कंसंट्रेशन टर्म्स, ऑल आर इंटेंसिव, कोई रटने की जरूरत नहीं, ऑल आर इंटेंसिव मास इंडिपेंडेंट। अरे कुछ तो बोलिए, आ रहा है समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। एक ही को समझ में आया? अरे बोले। यस सर। तो अब यहां सारे लोग ध्यान दें, तो मास मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एक्सटेंसिव, जो मास पर डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव है। और दूसरा है इंटेंसिव, मास इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड इंटेंसिव। ये पहले आपको मैंने जो ब्रिटिश डिफिनेशन है वो मैंने आपको बताई, मास डिपेंडेंट एक्सटेंसिव हुआ, मास इंडिपेंडेंट इंटेंसिव हुआ। यहाँ तक कोई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब आइए रिमार्क्स में आइए। के पहला पॉइंट, प्रॉपर्टीज हूज वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड ऑन डिवीजन द सिस्टम into a smaller parts, अरे बोलिए आया समझ में? Yes sir। तो जिसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बावजूद वो चेंज ना हो तो उसको हम इंटेंसिव कहते हैं, आर इंटेंसिव। और अगर चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए? एक्सटेंसिव। हाँ,
एंड हूज वैल्यू गेट चेंज्ड आर इंटेंसिव कोई दिक्कत बोलिए हाँ या ना सर जो अनचेंज होते हैं वो इंटेंसिव होते हैं ना आप ये क्यों पूछ रहे हैं यहाँ तो लिखा हुआ है सर नहीं आपने दोनों जगह इंटेंसिव लिखा इसलिए मैं पूछ अच्छा ये अच्छा ये एक्सटेंसिव है वेरी गुड हाँ लिख लिया जल्दी बोलिए ना यस सर सेकंड पॉइंट रेशियो फिर मैं एग्जांपल सब दूंगा एग्जांपल को क्वेश्चंस के फॉर्म में ही मैं दूंगा क्लियर है रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर कॉल्ड या called नहीं two extend two the ratio of two extensive properties are always intensive ये सब points सबको दिमाग में रखिएगा ये सब आपको पूछा जा सकता है कि दो extensive का ratio हमेशा intensive होगा clear है हाँ या ना yes sir Any extensive property can be converted into intensive. By defining it per unit या per unit mass per mole per unit volume यानी per volume etc इस ये सब अगर कहीं डिफिनेशन में आ जाए तो समझ जाइए वो भी एक्सटेंसिव इंटेंसिव बन जाए क्लियर है हाँ या ना जल्दी बताइए जी यस सर आगे बढ़े लिख लिया बोलिए ना लिख लिया सर एक मिनट बस सर लिख लिया
extensive have additive property. इसको add किया जा सकता है, जैसे volume 10 plus 10 20 additive property. But intensive do not have additive property. हाँ लिख लिया मेरे स्टूडेंट? यस सर। देखिए मैं जान उसके एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैं आप एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, आपको खुद बताना है और आपको आंसर नहीं देना है। मैं खुद इंटेंसिव होगा तो आई लिखिएगा, एक्सटेंसिव होगा तो ई लिखिएगा। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आएंगे जो कि आपने पढ़ा नहीं है, तो उसको मैं कुछ डिफिनेशन एकाध दो क्लास के बाद ही आपको समझ में आएगा, लेकिन इतना बता दिया गया कि आप 90% एग्जाम्पल के आंसर दे सकते हैं। हाँ जो पढ़ा ही नहीं है तो उसके एग्जाम्पल को देने में थोड़ा सा परेशानी तो होगी, लेकिन जैसे वो पढ़ लेंगे तो फिर आप आंसर दे पाएंगे। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन के हाँ आइडेंटिफाई, ये मैं जानबूझ के उसके नीचे नहीं लिखा था कि आप अपने से आंसर देंगे। Identify the intensive and extensive. लिख लिया ये स्लाइड? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो लिख लिया? नो सर। नो सर। फटाफट लिखिए, धाएं धाएं लिखिए। ये सर लिखिए।
हेलो यस सर चलिए लिख लिया इधर ये साइंटिस्ट लिख लिया हेलो नो सर लिख लिया क्या तो आप मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं आप लिख लिया ये वाला स्लाइड जल्दी बताएं पहले नो सर एक मिनट हो गया इनकमिंग कॉल इज नोट यस सर हो गया इनकमिंग कॉल इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस नंबर इट विल बी रिज्यूम्ड पोस्ट रिचार्ज इस नंबर पर इनकमिंग कॉल उपलब्ध नहीं है रिचार्ज के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा यानी 5 मिनट का टाइम है सबके आगे जो आप अपने लिहाज से जो आप तक कम से पढ़ा उस लिहाज से आंसर दें आई लिखेंगे कहीं और इंटर्नशिप एक्सटर्नशिप होगा तो ई लिखेंगे आप 5 मिनट पहले करें सोचें
आलम को भेजिए तो आलम को पहले वाले पहला स्लाइड का आप लोगों ने अपने लिहाज से सोच लिया? यस सर। बताइए डेंसिटी को इंटेंसिव लिखा आई मास एक्सटेंसिव मोल एक्सटेंसिव मोलारिटी इंटेंसिव वॉल्यूम एक्सटेंसिव मोलर वॉल्यूम इंटेंसिव क्यों मोलर वॉल्यूम वॉल्यूम बाय एन वॉल्यूम पर यूनिट मोल पर मोल एक मोल का वॉल्यूम वॉल्यूम पर मोल समझा हेलो एवरीवन यस सर इसमें तो टेम्परेचर तो है नहीं मानसी आप भी तो अजीब हैं इसमें तो मोलारिटी तो है नहीं सर मुझे जितने मैंने सबका भेज दिया नहीं नहीं आप छोड़िए अभी यहाँ देखिए इस स्लाइड का आंसर सबको मिला मोलर वॉल्यूम भी इंटेंसिव है यस सर जी ऋषिक बंसल जी कुछ तो बोलिए आ रहा है समझ में आपको यस सर चलिए ये वाला आप सोचा आप लोग ने ट्राई कर लिया सब कि नहीं किया मोलारिटी इंटेंसिव है नहीं पहले आप लोग कर लें हम खुद बताएंगे पहले आप लोग अपने साले आस सब लोग कर लें कर लिया डिस्कशन जल्दी बताएं हो गया अपने मन यस सर This is intensive, pH भी intensive. देखो pH मैंने आप पढ़ा होगा माइनस log H plus. केमिस्ट्री में इस ब्रैकेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर मोलारिटी के फॉर्म में तो pH भी आपका जैसे वाटर है वाटर का pH 7 है 2 लीटर वाटर हो 10 लीटर वाटर हो pH 7 ही रहेगा अरे बोलिए हेलो एवरीवन यस सर हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है ऑब्वियसली आप बड़े रूम में एक एसी लगाए हुए छोटे रूम में दोनों में टेम्परेचर इंटेंसिव है प्रेशर भी इंटेंसिव है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से इसको प्रूफ कर सकते हैं क्यों देखो यहाँ प्रेशर इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी देखो एन बाई वी दोनों दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव
मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव हीट का इसका फॉर्मूला हीट कैपेसिटी पर मोल दो एक्सटेंसिव का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ये फॉर्मूला सर होता है और आप पढ़ेंगे भी तो ये भी इंटेंसिव है एनर्जी बताओ एनर्जी क्या होगा एक्सटेंसिव ऑब्वियसली एनर्जी तो चेंज होता रहता है ना मास पर डिपेंड करेगा मोलर मास इंटेंसिव ऑक्सीजन का मोलर मास चाहे 10 ग्राम ऑक्सीजन लो या 20 ग्राम ऑक्सीजन लो हमेशा 32 ग्राम पर मोल ही होगा बोलिए हाँ या ना हेलो एवरीवन यस तो बताओ इस स्लाइड में किसी भी एग्जांपल में किसी को डाउट है तो पूछें हेलो एवरीवन नहीं है और कहाँ आप कहाँ गायब थे इतने दिनों से भाई उमर भाई कहाँ थे आप एग्जाम्स चल रहे थे हाँ बहुत अच्छा वेरी गुड आगे बढ़े लिख लिया सारे लोगों ने यस सर बताओगे नहीं क्योंकि मुझे भी पता तुम्हारा सीक्रेट हां हां अध्यान अध्यान तुम्हारा ध्यान किधर है सर अरे सर सॉरी सर वो बहन कुछ पूछ रही थी सर वो चलिए यहां देखें चलिए वाला स्लाइड सबका डिस्कशन हो गया अपने मन में कर लिया आप लोगों ने डिस्कस यस सर अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्वियसली आपने नहीं पढ़ा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन तो मतलब मान लो ये कॉपर रॉड है ठीक है या तीन है तेरह है खच खच काट दो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की टेंडेंसी सेम ही रहती है तो ये इंटेंसिव होगा हाँ अब जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आता जाएगा समझ रहे ना वो मैं पहले ही बोल दिया हूँ कुछ बातें आपको कुछ डिफिनेट टाइम इंटरवल के बाद आप इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली इंटेंसिव होगा इंथैल्पी भी इंटेंसिव होगा इंट्रोपी इस चैप्टर में पढ़ेंगे रैंडमनेस ऑब्वियस एक्सटेंसिव होगा गिब्स फ्री एनर्जी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जैसे जैसे ये चार टर्म ही इसमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है ये पूरा चैप्टर यही चार टर्म्स पर है तो आप पढ़ेंगे तो उस वक्त दोबारा हम इसको जरूर डिस्कशन करेंगे कि वाई इट इज एक्सटेंसिव अभी तो आपको सीखना अभी पर समझाने से भी आपको उतने अच्छे से नहीं आएगा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आप समझ सकते हैं इंटेंसिव जैसे ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है उसको चूर चूर काट भी दें वही रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रेजिस्टिविटी इंटेंसिव है रेजिस्टेंस एक्सटेंसिव है समझ में बात आई हाँ या ना जल्दी बताइए यस सर जी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का बता दो एक बार मेरा वो गलत हो गया था रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने तो कहा ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है उसको आप
दो दो काट काट पार्ट में डिवाइड भी कर देंगे फिर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही होगा। ओके डायमंड सर अगर हम ग्लास को कुछ एंगल्स पे काटें तो अलग हो जाता है ना, एंगल की बात नहीं हो रहा है ना, मास इंडिपेंडेंट, मास खसखस काट दें, एंगल की बात कहां, एंगल की बात नहीं हो रही। जैसे आपको मैं अभी पीएच वाटर का भी बोला मैंने, हाँ तो पीएच 7 है ये तो हम लोग रखे हुए हैं, वो 25 डिग्री सेल्सियस पर है, टेम्परेचर चेंज होगा तो पीएच चेंज हो जाएगा, वाटर वाटर भी आप सदा सके आप आने के इक्विलिब्रियम में पड़ेंगे। तो यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट एंगल डिपेंडेंट नहीं पढ़ना है, मास इंडिपेंडेंट पढ़ना है। ओके स्टूडेंट या ओके अरे बोलिए ना, फिर ये चुप हो गए। यस सर क्लियर है, क्लियर है या आगे बढ़े। हाँ सर यस सर चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, नाम सुना है ना जो लोग पढ़ चुके हैं। अब सुने बेसिक डिफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो देखिए स्टेट फंक्शन उसको कहते हैं वो वेरिएबल या वो प्रॉपर्टीज जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, पाथ कैसे फॉलोड हुआ उस पर डिपेंड ना करे। जैसे आप कोचिंग घर से कोचिंग गए, कोचिंग से घर जाने में आपने बहुत सारा कहीं कहीं घूमने गए, उधर गए उधर गए, फाइनली आप घर पे पहुंचे, ये स्टेट फंक्शन हुआ। मैंने इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करना, पाथ फॉलोड कैसे किया, कैसे गए, कौन हुआ, उस पर डिपेंड ना करना, वो स्टेट फंक्शन कहलाया। समझ में आया? हाँ याना जल्दी बताएं। Yes, sir. हाँ प्रॉपर्टीज या वेरिएबल whose value depends upon initial or final state of the system but independent of the path followed. Path function ऐसा है जो initial final पे तो depend करेगा ही, path पर भी depend करेगा। कुछ कुछ student confused होके state function का उल्टा बोल देते हैं path function के लिए बनाए। No, path function initial obviously जो path पर depend करेगा तो कहाँ से चला कहाँ उस सब पे depend करेगा। पाथ फंक्शन इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा एज वेल एज पाथ फॉलोड। स्टेट फंक्शन इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अब कौन कौन के एग्जांपल स्टेट फंक्शन, इस सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो पहले मेरे साथ साथ लिखें। स्टेट फंक्शन कंजर्वेटिव फोर्स की तरह हो गया ना, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब सर वो भी जैसे पाथ इंडिपेंडेंट होता है। हाँ वो फिजिक्स का चीज को आप ला रहे हैं ना, ऐसा कोई ये नहीं है मतलब सर याद रखने के लिए वैसे कर सकते हैं। हाँ आप कर सकते हैं, वो एक अलग है, आप फिजिक्स को यहाँ पे लाएंगे तो फिर और कंफ्यूजन होगा। प्रॉपर्टीज आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते थे, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं आप। प्रॉपर्टीज या वेरिएबल
क्लियर? यस सर। निकलिया जल्दी बोलिए। लिख लिया जल्दी बताए ना। Yes, sir. यहाँ तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए वर्क और हीट पाथ फंक्शन है। वर्क एंड हीट आर जल्दी बताए पाथ फंक्शन। हाँ वर्क तो हीट पाथ पे डिपेंड करता ही है। यहाँ एक मिनट यहाँ थोड़ी सी जगह खाली है ना आपकी। अच्छा चलिए यहाँ देखें प्रेशर हो वॉल्यूम हो टेम्परेचर हो इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी विस्फोरी एनर्जी एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन। मैं एक डायलॉग भी लिख दूंगा कि पहचानने का क्या तरीका है। एक मिनट रुक जाए। देखिए एक नोट याद रखेंगे हमेशा। प्लीज देखिए इफ F, मैं मान लेता हूं F को इफ F इज ए स्टेट फंक्शन याद रखिएगा देन उसका जो चेंज होगा ना डेल्टा F शुड बी पाथ इंडिपेंडेंट। ये पहचानने का तरीका है। जैसे अगर कोई कहे टी पाथ फंक्शन है सॉरी टी स्टेट फंक्शन है तो आप समझ जाएं डेल्टा टी जो होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। डेल्टा टी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। बस सुना सारे लोग हेलो एवरीवन। यस टी स्टेट फंक्शन होने के लिए जरूरी है डेल्टा टी पाथ इंडिपेंडेंट हो। अरे कुछ तो बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर ये पॉइंट याद रखिएगा। इसीलिए ये सब जो लिखाया गया है ये दोबारा भी है जैसे इंटरनल ये सब आप ऐसे लिख लीजिए एज इट इज। ये चारों इस चैप्टर का मेन टॉपिक है या वहां आएगा तो दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के बारे में तो मैंने बता ही दिया समझा कि उसका चेंज पाथ इंडिपेंडेंट हो तो फिर वो दैट क्वांटिटी शुड बी स्टेट फंक्शन। इसलिए ये assertion reason में भी question पूछ सकता है f state function है तो delta f path independent होगा। ये नहीं कि delta f
को आप कह देंगे स्टेट फंक्शन। नो, समझ में बात आई कि नहीं आई? तो ये एग्जांपल पहले लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर। नो सर। नो सर। अच्छा लिखे। यस सर। हाँ लिख लिया, बताइए। यस सर। एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी फंक्शन मतलब क्या है ये? व्हाट इज दिस? एफ की जगह टी आ गया सर, मतलब वेरिएबल के फॉर्म में यूज हुआ ना यार। हाँ भाई, एफ एफ इज स्टेट, हम एक्स मान लें तो डेल्टा एक्स होगा। एफ एफ स्टेट फंक्शन है। अब हमने कुछ मान लिया, एफ एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, है ना, एक फॉर्मूले के फॉर्म में मैंने लिख दिया। प्रेशर होगा तो पी लिख, पी इज स्टेट फंक्शन, देन डेल्टा पी शुड बी पाथ इंडिपेंडेंट, इसलिए नीचे मैंने लिख दिया वेरिएबल है ये, पी इज स्टेट फंक्शन बट डेल्टा टी, बिकॉज डेल्टा टी इज पाथ इंडिपेंडेंट। आया समझ में? यस सर। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बताएं। यस सर। चलिए अब आइए टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। ओके स्टूडेंट, अरे बोलिए, कुछ तो बोलो यार तुम लोग। यस सर। मैं एक में सिर्फ लैंग्वेज लिखूंगा, उसकी मैं वजह बता देता हूँ। टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस। इसका ये मतलब हुआ, जल्दी बताना तुम लोग, टी कॉन्स्टेंट है तो बताओ डेल्टा टी क्या होगा। अच्छा ये पहले बताओ, डेल्टा टी अगर जीरो है
तो बताओ क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है या नहीं, सारे लोग बताएं। यस सर। है? यस सर। वेरी गुड, इसीलिए मैंने कहा कि आपको मैं थोड़ा सा डेफिनेशन, डेल्टा टी अगर जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है कि आइसोथर्मल है, बिकॉज डेल्टा टी का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल। मान लो ये कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, का मतलब ये हुआ कि अगर ये ए से बी तक कोई प्रोसेस गया तो एवरी पॉइंट का टेम्परेचर सेम है। डेल्टा टी का मतलब हुआ कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल का टेम्परेचर सेम है, बीच का कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। इसलिए केमिस्ट्री ने कहा डी टी जीरो बोलिएगा देन इट मस्ट बी टी कॉन्स्टेंट एवरी पॉइंट का ये। तो कभी कभी आपसे एग्जामिनर ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट में पूछ सकता है। और थर्मोडायनेमिक्स में मैं आज एक बात बता देता हूँ, इसमें जो छोटे छोटे डायलॉग जो आएंगे ना उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, वरना आपको बहुत ये चैप्टर स्टूडेंट को 11th 12th में जो बच्चे जाते हैं वो ये दो चैप्टर का नाम बहुत लेते हैं, हमको थर्मो नहीं आया और आयनिक और आयनिक इक्विलिब्रियम आने वाला जो है। तो एवरी डे आप, इसलिए आपको ये लाइन है आप टेम्परेचर आइसोथर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी ग्राफिकल जब कराएंगे तो उसमें स्टूडेंट फंसते हैं। तो डेल्टा टी जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आइसोथर्मल ही होगा। डेल्टा टी का मतलब दो टेम्परेचर, फाइनल और इनिशियल का बस। थ्रू आउट द प्रोसेस का मतलब हुआ उस ए से बी तक जो प्रोसेस हुआ उसके एवरी पॉइंट का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इसलिए डी टी जीरो होना चाहिए देन डेल्टा टी जीरो होगा। डी टी जीरो होगा देन कहिए डेल्टा टी जीरो। समझ में बात आ रही है? हेलो एवरीवन। यस सर। अरे यार एक ही स्टूडेंट क्यों यस सर बोलते हैं, बाकियों को नहीं आया? हेलो क्लियर है सर। याद रखें डी टी जीरो देन डेल्टा टी जीरो, तो आइसो था। अब बाकी मैं आप समझ जाएंगे, मैं ना भी लिखूंगा तो आप वही माइंड में रखेंगे। सुना सारे लोग? हेलो। अब आओ ग्राफिकली आइसोथर्मल को पहचानने का तरीका। याद है स्टेट्स ऑफ मैटर, ये ग्राफ टेम्परेचर कांस्टेंट पर ड्रॉ किया गया था, याद है आपको? हाँ या ना? तो आइसोथर्मल तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। अब मैं तो ये आइसोथर्मल हुआ, बताएं क्या ये आइसोथर्मल है या नहीं? सर है। अच्छा, इसमें ये भी आपको बोलना है कि ऐसे एरो का साइन होगा तो आपको बोलना है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है एक्सपेंशन। एरो का साइन उल्टा होता तो कंप्रेशन। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया? यस सर। This is also isothermal expansion. आपको ये ना पूछे सर कंप्रेशन कैसे होगा, आप उल्टा कर देंगे। एक चीज समझ लें दूसरा अपने आप आएगा, कोई जरूरी नहीं कि दोनों आपको बना के दिखाया जाए। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो बताइए ये भी तो isothermal है। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। तो ऋषिक बंसल बताइए isothermal
एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है बताएं। अब चुप बोलिए जल्दी। हेलो सर, कंप्रेशन है, प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है, वेरी गुड। तो वॉल्यूम घटेगा। यही सब ग्राफिकल क्वेश्चन अभी बाद में आएगा, नेक्स्ट क्लास में आएगा आपको। क्लियर? यस सर। प्रेशर कांस्टेंट में कौन सा लॉ वैलिड होता है गैस के केसेस में, मालूम है आप लोगों को? विच गैसेस लॉ इज ओबेड? चार्ल्स लॉ, बताओ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी फॉर गैस। पूरे चैप्टर में गैस ही की बातें होंगी ज्यादातर, क्लियर है? तो ये भी आपका बताओ, आइसोबारिक एक्सपेंशन है कि नहीं, जल्दी बोले। यस सर। यस सर। सर ये भी आइसोबारिक एक्सपेंशन है। वेरी गुड। इसलिए बताइए। यस सर। सर मैं डिस्करेंट हो गई थी तो मुझे वो ग्राफ नहीं समझ आया। कौन सा? सर फर्स्ट प्रोसेस का आइसोथर्मल।
क्या नहीं समझ में है? प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये तो आपने पढ़ा था ना बॉयल्स लॉ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। यस सर। तो फिर आइसोथर्मल हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज कर रहा है इस ग्राफ में, जल्दी बताइए। नो सर। तो फिर आइसोथर्मल क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? हाँ, सर वो एक्सपेंशन और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंशन, प्रेशर बढ़ेगा तो कंप्रेशन। ओके सर। हाँ हो गया, ये वाला हो गया था। चलिए हाँ अब आइए, चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा, आइसोबारिक है या नहीं, जल्दी बताएं। सर है। एक्सपेंशन की कंप्रेशन, एक्सपेंशन, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डायरेक्टली क्वेश्चन टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एनी प्रॉब्लम? नो। प्रॉब्लम? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।